हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, टूटा हुआ बैडमिंटन कैसे रिपेयर करें। कई लोग होते हैं, बैडमिंटन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि यार बैडमिंटन रिपेयर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप बैडमिंटन रिपेयर कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आपकी शॉप है कहीं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई खेलता है वो भी कर सकते हैं, तो आप लोग सब जने रिपेयर कर सकते हो बैडमिंटन, ठीक है। ठीक है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन रिपेयर करने के लिए आपको इन टूल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये टूल अपने पास में लेकर रख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हमें लेनी है ऐसी जो एक पत्ती, ठीक है। उसके बाद में हमें इसको नापना है, थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है। इतना हम ले लेंगे इसको, फिर हम जो है कटिंग करेंगे इसको। अब कटिंग कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। हमें ये सीधी काटनी है एकदम। ये हमने तोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, ये हमने तोड़ दिया। इसको बीच में से हमने काट लेनी है, ठीक है। ऐसे दो बीच में से हमें काट लेनी है, जैसे हमने ये काट के दिखाया ना आपको, ऐसे। उसके बाद में हम इसको पलट देंगे, पलट के फिर उसके बाद में हमारे को यहाँ से काटना है, इस साइड से भी, दोनों तरफ से हम बराबर काटेंगे ताकि बैलेंस रहे, ठीक है। हमने ये दोनों तरफ से काट लिए, ये अब इस प्रकार की हो गई है। ओके, इस प्रकार की हो गई दोनों। हम इसको जॉइंट करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों, अब निप्पल में हमने ये कील्स लगा दी है ताकि हम एरालाइट लगाए, केमिकल लगाए, तो इसके जो निप्पल्स बंद ना हो, ठीक है। तो हम ऐसे सब में लगा देंगे, इसमें आसपास जितनी हमारी पत्ती रहेगी। ठीक है, तो हमने सब में लगा लिया अभी। अब हम इन पे लगाएंगे फेविकी ताकि वो पहले अच्छे से जॉइंट हो जाए। हम दोनों पत्तियां ऐसे लगा लेंगे सेट करके। अभी अच्छे से सेट हो गई है, ठीक है। हमें ऐसी वायर निकाल लेनी है, वायर निकाल के उसके बाद में हम वायर इस पर लगाएंगे, ठीक है। वायर हम इस स्टाइल में टाइट कर देंगे इस पर।
हेलो मैट शूज चाहिए सर आपको, हाँ मिल जाएंगे सर। सर वो आपको शॉप पर बता देंगे, ये पीछे हमारी शास्त्री नगर में शॉप है, वहाँ पता कर सकते हैं, ये होलसेल डिपार्टमेंट का नंबर। अभी हम लास्ट में इसको चिपका देंगे फेविक्विक से। हम इस पर फेविक्विक लगा देंगे, ठीक है। हमने अच्छे से इसमें फेविक्विक लगा दिया, सूख जाएगा, थोड़ा सूखने दो इसको। अब इसको हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे। ठीक है, ये हमने कट कर दिया है, एक्स्ट्रा वायर हमने हटा दी है, इस तरह से हमने वायर लगा दिया, आप देख सकते हो आप। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा येलो वाला निकालना है हमें, और फिर हमें वाइट वाला केमिकल निकालना है थोड़ा सा, बराबर रखना है दोनों को ताकि हार्डनेस पूरी रहे। ये आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। इसके बाद हमें इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से। मिक्स करते रहेंगे थोड़ी और, ठीक है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और भी वीडियो डालता रहता हूँ। अब ये हमारा हो गया है, ठीक है। मिक्स कर लिया हमने अच्छे से, अब हम रैकेट पे अब लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से हम इसमें मिक्स करके लगाएंगे। जितना आप मिक्स करके लगाओगे उतना अच्छा जॉइंट लगेगा, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा लेना है आपको, एकदम भर के नहीं लेना और हल्का ही लगाना है, क्योंकि बाद में ये पिघल के निकलता भी है, तो जॉइंट ख़राब नहीं होना चाहिए। कहीं आपने सारा काम कर लिया और बाद में केमिकल ये ज़्यादा लगा दिया, फिर वो शेप ख़राब हो गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसको, कि कहीं सोचो कि ज़्यादा लगा देंगे तो और ज़्यादा मजबूत आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे यहाँ ज़्यादा जॉइंट आते हैं, मैंने इसलिए डब्बे मंगाए हुए हैं।
पैरालाइट के, तो आप ट्यूब भी ले सकते हो, इसकी ट्यूब भी आ जाती है 30-40 रुपए तक की आ जाती है, आप उसको मंगवा के भी कर सकते हो। ठीक, चलो आप देख सकते हो हमने अच्छे से लगा दिया है। ठीक है, थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो उसको हम साफ कर देंगे। अब जैसे जैसा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रखा है ये, हम इसको जो साफ कर देंगे। ठीक है, बाद में ये एडजस्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने अब केमिकल लगा दिया अच्छे से, आप देख सकते हो। अब इसको हम एक दिन सूखने के लिए ले लेंगे, एक दिन ये सूखने में लेता है, इसकी अंदर से नमी जो है नहीं हो पाती है, तो वो ख़त्म होने में एक दिन लगता ही लगता है। तो एक दिन बाद में हम आपको जो है इसको आगे की वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों एक दिन कंप्लीट हो गया है, अब हमें कील भाल निकालनी है। ठीक है, तो हम कील भाल निकालेंगे ताकि अच्छे से आप जो है बैडमिंटन इसमें कर पाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये कील हमने बाहर निकालनी और ऐसे ही आपको कील बाहर निकालनी है। ओके, ज़्यादा जोर नहीं डालना है, आराम से इजी निकल जाती है इससे। ये आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने सारी कील बाहर निकाल दी है और बढ़िया रैकेट हो गया। ओके,